Welcome to our delightful culinary journey, where these boughs of bougainvillea blooms a frame right outside the kitchen window. After the music, more to come. Today, let us cook spiced corn keema, जिसमें garlic है, यानी कि लहसुन, और घर में बनाए हुए fresh tomato puree, कुछ Italian seasoning, और simple सा dish है. This dish will be elevated with some garlic bread, और इसके साथ आप sourdough bread भी खा सकते हो, या तो हाथ से बनाए हुए रोटियां भी चलेगी. और मज़े की बात ये है कि ये पिज़्ज़ा टॉपिंग के भी काम आएंगे. आज ही मैंने पिज़्ज़ा बना के एला के नानू को टिफ़िन में परोसा. ये वाली जो स्पाइस कॉर्न कीमा डिश है, ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बनाना इतना सिंपल है, थोड़ा हटके है रेगुलर इंडियन मील से, और बहुत टेस्टी और डिलिशियस है. और ये जो बाहर का नज़ारा है, पूरी बैंगलोर खिल उठी है फूलों से, खुशबू से, तो ये डिश तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बनाना चाहिए. घर वालों को खुश करना चाहिए, और घर वालों को रहने दो, अपने आप को खुश करना चाहिए, क्योंकि सिंपल डिश है, क्विकली कुकिंग है, ईजी मील है. अगर आप बैचलर हो, सिंगल हो, या तो यू नो यू आर क्यूरियस टू मेक एंड ट्राई न्यू डिशेस, या तो आप ऐसे ही खाना बनाना पसंद करते हो, तो ये डिश बिल्कुल बनता है. घर पे बैठे बैठे कैसे बनाओ? अरे बिग बास्केट है, स्विगी में वो क्या है, इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट है, जोमाटो है, हर किसी से भी आप ऑर्डर कर सकते हो. कीमा और कॉर्न ही तो ऑर्डर करना है, और चलिए फटाफट बन जाएगी. पूरी रेसिपी की डिस्क्रिप्शन आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगी. और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो वो भी हमें ज़रूर बताना. ज़्यादातर 5 मिनट ही लगेंगे डिश को बनाने में, ना कुछ हटके मसाले हैं, सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा फ्लेवरिंग आएगी. और घर में बनाया हुआ देखिए, टमाटो को ब्लांच करके इसी के हम प्यूरी बनाएंगे. ये आप थोड़ा सा आग में सेक के भी बना सकते हो, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है. जैसे हम नेपाली खाना बनाते हैं ना, आप पीरो आलू या आलू दम, तो वैसे ही ये आलू को आप फायर के ऊपर यू नो पका के फिर आप इसका प्यूरे बना सकते हो. प्यूरे बन गई, डाल दिया मैंने इसको कीमा के सब्ज़ी में, थोड़ा सा चलाएंगे, सीजनिंग डालेंगे, बस बन गई तैयार. फटाफट, जल्दी जल्दी, इजी, बिल्कुल मज़ेदार क्विजी. देखने में खूबसूरत लग रही ना, और सबसे मज़ेदार होगा इसका टेस्ट. थोड़ा सा टमाटो की टैंगीनेस है, और ये सीजनिंग जो है पिज़्ज़ा वाली सीजनिंग है, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स की. वैसे चिली फ्लेक्स को तो बहुत कुछ बोला जाता है, चिली पाउडर, पेपरिका, बहुत ही तरह तरह के नाम है हर सिटी में, हर देश में, मिर्ची वाली पाउडर. तो ये जो है कश्मीरी मिर्च पाउडर और देगी मिर्च पाउडर की कॉम्बो, जो मैंने घर पे बना के रखा है. ये बन गया अपना कीमा डिश. वैसे दोस्तों, कैसा लगा ये रेसिपी? क्विक, इजी, सिंपल, लाइक ऑलवेज. अगर आप सीजनल कुक हो तो भी ट्राई करना चाहिए, सिंगल हो तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. और अगर आपको लगे कि हमारा डिश बढ़िया बना है, लाइक शेयर कमेंट तो बनता है दोस्तों, है ना. ऑन दैट नोट, सी यू सून, हैप्पी कुकिंग डार्लोज़.